अस्सलाम वालेकुम एवा न्यूज़ के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं अरूज फकर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 109 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। रूसी नायब वज़ीर आज़म की दो रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद, दफ्तरे ख्वाजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ़द पाकिस्तान की आदत से मुलाकातें करेगा, दो तरफा ताल्लुकात खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो सका, इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, कानूनी टीम कल मजीद तजावजात देगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पीटीआई ने 10 दिन की मोहलत मांग ली, अगर इलेक्शन तस्लीम ना हुए तो 5 साल की पाबंदी लग सकती है। बेहतरीन इलेक्शन कराई, किसने इतराज नहीं किया, बैरिस्टर गोहर बोले सिर्फ पीटीआई को टारगेट करना बदनीयती है। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान के एजाज में जोहराना, असद कैसर ने मेरे बहुत खाने खाए इसलिए कह रहा हूँ, असद कैसर मेरे मामला तय होने के लिए पुरमीद है। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं सेकंड में प्राइमरी सिंधी ओल्ड स्कूल के तलबा और असाजा की जानिब से मुसलसल 5 रोज से स्कूल में बिजली न होने पर काजी सरफराज मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सेकंड से जीएम लगाली। जी बिल्कुल, सकरण में प्राइमरी सिंधी ओल्ड स्कूल के तलबा और असातिज़ा की जानिब से मुसलसल 5 रोज़ से स्कूल में बिजली ना होने पर काजी सरफड़ा मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उस मौके पर असातिज़ा अब्दुल समद गबोल, मोहम्मद अयूब मल्ला, एहसान जमाली, अहमद अली अंसारी और असद खुसो ने कहा कि स्कूल में मुसलसल 5 रोज़ से बिजली बंद है, बग़ैर पंखे बग़ैर पानी की वजह से स्कूल के तलबा काफ़ी परेशान हैं, बच्चों की तैलीम मुतासर हो रही है, जबकि हमने एस्को के अमले को कहा है और वो अमला ट्रांसफार्म जलने का कहकर हमारी बात को टाल देते हैं। हम एस्को के आला इंतजामिया को अपील करते हैं कि स्कूल की फ़ौरी बिजली बहाल की जाए ताकि स्कूल के बच्चों की तैलीम मुतासर ना हो सके। जी बेनजीर इनकम सपोर्ट कैंप सेंटर खानगढ़ पर पैसे निकलवाने के लिए आने वाली खातून जाँ बहक, इंतजामिया के नाकिस इंतजाम और रश की वजह से खातून बेहोश हुई, एम्बुलेंस ना होने की वजह से खातून ने अपनी मदद आप के तहत बेहोश खातून को अस्पताल पहुंचाया जहां खातून दम तोड़ गई। अहले खाना का नाकिस इंतजाम के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप ऑफिस खानगढ़ में पैसे निकलवाने के लिए आने वाली 50 साल खातून जाँ बहक सेंटर पर इंतजामिया के नाकिस इंतजाम, रश और भगदड़ की वजह से खातून बेहोश हो गई। मौके पर एम्बुलेंस न होने की सबब बेहोश खातून को मौके पर मौजूद खवातीन ने अपनी मदद आपके तहत हेल्थ सेंटर खानगढ़ मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचते ही खातून दम तोड़ गई। जहां बाग होने वाली खातून खतीजा माई नवाही इलाके मोजा लांग की रिहायशी हैं और दोनों टांगों से मासूर हैं। शख्स अब्दुल मजीद की जोजा हैं। दम तोड़ने वाली खातून के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। अहले खाना ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि सेंटर पर नाकिस इंतजाम के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और आपको बताएं नवाब अली मोहम्मद के करीब करीम आबाद शरीफ में दरगाह फैज हाशमी की जानिब से 37वीं सालाना मरकजी बैन अल-अक़वामी सतह पर मनाया जाने वाला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न जारी रहा। इस सिलसिले में महफिल समा का इनेकाद किया गया। मुल्क के नामवर कवाल और गुलकार शफी फकीर साजिद सोलंगी और दीगर ने सूफी कलाम गा के सामईन पे वज्द तारी कर दिया। मिलाद शरीफ में मुख्तलिफ दरगाहों के गद्दी नशीन MP डॉक्टर बहादुर डहरी, साबिक MP सरदार जाम तमाची और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। मिलाद की तकरीबात में लाखों अफराद की शिरकत की वजह मिलाद मेले की शक्ल अख्तियार कर ली, जबकि DIG शहीद बेनजीराबाद परवेज अहमद चानियो ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं, साहिबाल टीचिंग अस्पताल समेत पंजाब की दीगर गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशन ने हाउस ऑफिसर्स महाना मुआवजों से महरूम। साहिबाल टीचिंग अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से सरकारी इंस्टीट्यूशन में जॉब करने वाले हाउस ऑफिसर्स को गुज़िश्ता 3 माह से अदायगियां नहीं की गई, जिस पर साहिबाल टीचिंग अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया और कहा कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे और
वार्ड्स में काम का तमाम तर बोझ हाउस ऑफिसर्स पर होता है और वो 48-48 घंटे लगातार थका देने वाली ड्यूटी देते हैं, लेकिन उन्हें ही मुआवजों से महरूम रखा जाता है। हाउस ऑफिसर्स ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुतलका अहकाम को नोटिस लेने और उनके मुआवजों की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। और आपको बताएं, इरफान हनीफ इंतकाल कर गए। कांस्टेबल मोहम्मद इरफान हनीफ भवाना के रहायशी थे और चनियोट पुलिस में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नमाज जनाजा भवाना में अदा की गई, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरान समेत पुलिस अहलकारों और इलाका के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सीनियर पुलिस अफसरान ने लवाइकीन से इजहार ताजियत किया और हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी करवाई। मरहूम कांस्टेबल के सोगवारान में वालदा, बीवी, 3 भाई 3 बहनें और दीगर अजीज व अकारिब शामिल थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।